जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लाइव हैं, ठीक है, सेंटर से, और सीजल 2022 के प्री का पहले शिफ्ट का पहला रिव्यू आपके सामने। तो हम बच्चों से पूछते हैं जो पेपर देकर आए हैं, कुछ सवाल मेरे हैं और हम उनसे जानेंगे कि पेपर कैसा रहा, क्या पैटर्न रहा, थोड़ा फास्ट पैटर्न, ठीक है। तो किन किन का पेपर आया, किस किसने पेपर दिया, अभी आपका पेपर आया, अटेम्प्ट कितना रहा अभी? थोड़ा जोर से बोलिएगा, अटेम्प्ट कितना? 20 अटेम्प्ट रहे हैं। और 20 अटेम्प्ट में कुछ पैटर्न की चेंज होने का कुछ फर्क कोई चेंज नहीं है। टोटल अटेम्प्ट कितना रहा? 68 अटेम्प्ट रहे हैं टोटल। और किसी का पेपर रहा यहाँ पे? कितना अटेम्प्ट रहा? 76 किया आपने? 85 किया। तो पैटर्न की चेंज की वजह से कुछ ऐसा आया है कि लेवल में कुछ चेंज हुआ? मतलब मैथ्स काफी इजी था। ये बताइए कि जीएस जो आ रहा है स्टार्टिंग से, मतलब वो कैसा आ रहा है स्टार्टिंग से? टॉपिक का नाम नहीं बताना, बस ये बताना कि लेवल कैसा रहा। लेवल तो नॉर्मल स्टैटिक जीके जो था वो बहुत इजी था। तो स्टैटिक जीके जो बच्चा बोलता है कि पढ़ के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो क्या लग रहा है स्टैटिक जीके का उसको फायदा हो रहा है पढ़कर? स्टैटिक जीके का करंट अफेयर का स्टैटिक जीके का काफी फायदा। आपने ही पेपर दिया ना अभी? जी सर। सही आई। तो कितना अटेम्प्ट रहा है आपका? 77 करेंगे। 77 किया। स्टैटिक जीके का क्या बेनिफिट मिला? हां, स्टैटिक जीके का बेनिफिट है तीन चार क्वेश्चन कंपैरेटिवली एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने बजाय यहां से। करंट अफेयर कब से कब तक का है? करंट अफेयर सर जून का था, जून का करंट अफेयर ज्यादा एक दो क्वेश्चन था सर, ज्यादा नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर एक दो क्वेश्चन था। स्टैटिक ज्यादा था और जैसे साइंस वगैरह थी जो, और प्रीवियस ईयर बेस्ड पूरा, मतलब हाँ प्रीवियस ईयर बेस्ड इक्विकलाइन का फॉर्मूला था। वोकैबुलरी कैसा रहा, मतलब आपका वोकैबुलरी इजी था सर? इजी था। हेड कांस्टेबल वाले उससे तो पैटर्न इजी है सर, मतलब कोई नया क्वेश्चन में वो नहीं देखने को मिला। कॉम्प्रिहेंशन में पेपर में सेंटर के अंदर कुछ ऐसा नया पहली बार हुआ, जैसे पहले बायोमेट्रिक बीच में लेना शुरू कर दिया था, कुछ ऐसा था या फिर नॉर्मल? चेकिंग करते हैं सर बीच में, बीच में चेकिंग किया। मैथ्स का पेपर कैसा रहा सर? मैथ्स का इजी, जो मैथ्स से डरता था वो चीज काफी अच्छा गया। सर जैसे मैं अपना लेवल कर रहा हूँ कि मेरी मैथ्स की बिल्कुल तैयारी है, मैंने बिल्कुल एक महीने से मैथ करा, 16-17 क्वेश्चन मैथ का, इतने रोज आएंगे सर। डीआई को छोड़ दो, 24 डीआई को छोड़। सो फाइनली यार डीआई में क्या कोई चीज थोड़ी सी क्लियरली विजिबल नहीं, वो ज्यादा जैसे कैलकुलेटर वाले, जैसे हेड कांस्टेबल वाले में आता हूँ उतना कैलकुलेटर से डायरेक्टली डायरेक्टली। क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है? मतलब नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, जो है वो बिल्कुल वैसे वैसे। चलिए बहुत अच्छा। इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, और रीजनिंग का जो पैटर्न है जब से टीचर आई है सेम चल रहा है, एक अलग से रिकॉग्नाइज करना कि एडवर्ब मैंने, तो इंग्लिश में मतलब सेम रहा है। और बाकी इसमें रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग आसान, एक बार ट्रिपलेट तीन चार और उनमें एक क्वेश्चन था जो कोडिंग का था सर, वो चार में जैसे एनालॉजी लगाते हैं वो थोड़ा टिपिकल पड़ रहा था, बाकी लगभग 24-23 क्वेश्चन था। दो मिसिंग नंबर वगैरह जो मतलब ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 70+ अटेम्प्ट रहा है सर। इंग्लिश रीजनिंग और मैथ के अंदर 22-23 हर एक बंदा करेगा, तो यहाँ कुछ ज्यादा चेंज नहीं रहा। फाइनली थोड़ा सा हिलाने वाला है, आने वाले जो बच्चे हैं जिनका आने वाला पेपर है तो उनके लिए कुछ रिव्यू आपका? सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे ज्योमेट्री में? डायरेक्ट ये बताओ यहाँ पर जो है मतलब आप लोगों को पूरा यूट्यूब का बेनिफिट मिला है? और ज्योमेट्री में मैं कहना चाहूंगा सर, वो एक क्वेश्चन था राइट एंगल ट्रायंगल का, वो डायरेक्ट ट्रिपलेट पे था, 8-15-17 का ट्रिपलेट था वाला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। पेपर मजा आ गया एक कोर्स, तो यहीं पर सेशन को वाइंड अप करते हैं, बाकी हम बाकी अभी बच्चों से भी बात करेंगे। तो ओवरऑल जो हम बात करें पेपर के एक्सपीरियंस को लेकर, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो पेपर कैसा था, तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल में हम कह सकते हैं, पेपर टफ लेवल में नहीं था। जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का वो 75+ रहा है,
इसके अलावा बात करते हैं तो कुछ भी पैटर्न के चेंज होने की वजह से नया नहीं दिखा है। करंट अफेयर आपके अप्रैल के बाद यही क्वेश्चंस थे, रीजनिंग का पैटर्न वही था, मैथ्स के पैटर्न वही थे, सीपीओ और जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्वेश्चंस पूछे गए थे उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे। अभी तो फिलहाल पेपर इजी रह रहा है, तो आपने जो पढ़ा बस आप उसको रिवाइज करके जाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।